बोली बागेश्वर धाम की जय, बोली सन्यासी बाबा की जय, बोली हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा विदिशा के अंदर चल रही है। आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा का आखिरी दिन है, यानी कि लास्ट सप्तम दिन की लास्ट दिन की बैठक है। तो आज श्रीमद् भागवत गंगा का जो मेन मुख्य सार है वो आपको गुरुदेव भगवान अपने मुखारविंद से सुनाएंगे। गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा विदिशा के अंदर दिव्य दरबार, संतों का समागम, श्री हरि की चर्चा, इतना बड़ा आनंद आ रहा है कि हम अपनी उस आनंद का जो है बह रहा है उसको हम अपनी वाणी से नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो वहाँ पे हैं, हम लोग वहाँ पर हैं तो हमें ही पता है, जो जो लोग वहाँ पे हैं उन लोगों को पता है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा का आज आखिरी दिन की बैठक है। 7 दिन किसी कारणवश कोई आ नहीं पाया, लेकिन जब आखिरी दिन श्रीमद् भागवत कथा में आ जाता है, लास्ट की कथा सुनता है लास्ट वाले दिन की, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्व है। ये संत भगवान और गुरुदेव भगवान अक्सर कथाओं में बताते हैं कि किसी कारणवश ना आ पाया हो तो 7वें दिन मूल सारा का सारा पाठ होता है, उसके अंदर पूरी कथा दोबारा से बताई जाती है और आपको विधि विधान से, क्योंकि पूरे कार्यक्रम का जितना सार होता है सारा का सारा 7वें दिन ही होता है। सभी पंडितों के मुखारविंद से विद्वान जो यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ के अंदर आहुतियां डालेंगे, वो भी विधि विधान से। पूरा जितने 7 दिन का निचोड़ होता है वो इस 7वें दिन ही आता है सारा का सारा। परमपिता परमेश्वर वहाँ विराजमान रहते हैं, क्योंकि जो भगत है वो श्रद्धा भाव से अगर 7 दिन कोई कथा करवा रहा है तो वहाँ ईश्वर को भगवान को आना ही पड़ता है। श्री हरि की चर्चा हो वहाँ पे, देव तीर्थ गुरु, देखिए कितने बड़े परम सौभाग्य हैं हमारे कि गुरुदेव भगवान की विदिशा कथा के अंदर हम लोगों को कितनी कितनी महान हस्तियों के दर्शन करने को मिले। आज 13 तारीख है, आज भी महान महान हस्तियाँ वहाँ दिव्य दरबार में आपके समक्ष पहुँचेंगी। गुरुदेव भगवान के दर्शन होंगे, उनके साथ साथ बड़े बड़े संतों के दुर्लभ दर्शन, ऐसे नहीं होते दर्शन, ये आपके हजारों लाखों जन्मों के पुण्य भाग हैं जो ऐसे हमें गुरु मिले हैं और उन गुरुओं के माध्यम से हमें उन महान दिव्य आत्माओं के दर्शन करने का मौका मिलता है। परम पूज्य श्री देवकीनंद ठाकुर जी महाराज आए, श्री 1008 श्री अनुराचार्य जी महाराज आए, प्रज्ञा ठाकुर जी महाराज जी हैं वो भी पहुंचे थे, इनके साथ साथ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी पहुंचे थे और भी अनेकों संत महात्माओं का जमावड़ा निरंतर 7 दिन तक यहाँ चलता रहा। आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा की 7वें दिन की बैठक है, तो विदिशा ही नहीं पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व के जितने लोग हैं वो आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और एक बात और बोल देते हैं कि गुरुदेव भगवान की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल फेसबुक का पेज है, उस पेज के ऊपर आप जाके इस धर्म के कार्य में थोड़ा बहुत आप सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े अनुष्ठान बगैर अर्थव्यवस्था के नहीं होते। आश्रम के अंदर भी काफी कार्य चलता है, आप देखते हो निरंतर गुरुदेव भगवान कन्याओं की शादी के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च होता है, हॉस्पिटल बन रहा है उस पर भी करोड़ों रुपए खर्चा आ रहा है, और भी बाएं दाएं कि अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा स्टेडियम टाइप का ही बनाना है जिसके अंदर कथा भी हो जाए और भी कोई गांव के कार्यक्रम हो जाए पहाड़ी के ठीक नीचे, तो उसके अंदर भी करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा। तो आप थोड़ा बहुत श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा में हम अपनी इच्छा अनुसार, ज़्यादा नहीं वो हमें निकालना चाहिए। गुरुदेव भगवान तो मना करते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं, लेकिन इस बात को हमें समझना होगा और थोड़ा बहुत अपनी जिंदगी में कमाया है उसका 1-2% हिस्सा भी हमें धर्म के कार्य में हम सभी को लगाना चाहिए। तो विदिशा के अंदर जो ज्ञान गंगा बह रही है उसमें 7वें दिन की बैठक में आप सादर आमंत्रित हैं। आ जाइए श्री हरि के चरणों में, गुरुओं के चरणों में और ऐसी गंगा के श्री चरणों में जिसके नहाने से हमारे जितने भी पाप हैं, हमारी जितनी भी दुख दुविधा है वो सारी की सारी मिट जाएंगी
और हमारे घर के अंदर, हमारे जीवन के अंदर हमेशा खुशहाली खुशहाली और आनंद ही आनंद बरसेगा। तो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा की सातवें दिन की बैठक जल्दी ही शुरू हो जाएगी। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बोलिए सन्यासी बाबा की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। थोड़ा पीछे पीछे खड़े हो जाइए, पीछे पीछे खड़े हो जाइए। राम राम जी, मिलेंगे आप से, मिल चुके, बात कर चुके, हम कर देंगे उपाय। बिटिया तुम चिंता मत, सीताराम आशीर्वाद बेटा चढ़ना रह गया। एक हम मिलते हैं, इनको जाने मत देना, बैठना है, मिलना है, शाम को मिलते हैं अम्मा टोकन कर। पांच पांच मिनट काट पाएंगे चर्चा से ना। तीन मिनट भोजन, तीन मिनट बिटा दिए माँ, अभी पीछे पहुंचो, आम मिल लेंगे, दरबार कल लगना है, पीछे पहुंचो। दवा बेटा ब्रजेश से ले लेना, माँ ठीक रहोगा। ये नहीं माँ, ये दे दो, पता लगा, ये दे दो फोटो, फोटो का दे दो आप, फोटो तो दे दो आप जी, आपका पर्चा एक मिनट दो, माता जी का पर्चा दे देना एक मिनट। ये वाला देसी वाला पर्चा मैं बंधन कर दे लगेगा, चतुर्पुर वाले हो याद है तुम्हारा बेटा, देखा ये मत करो, गलती मर्यादा मत करो। एक बार वहीं ना जाता Thank you.